लुक कुछ ऐसे से देखने के लिए मिल जाते हैं दोनों ही हेलमेट्स के। अब अगर दोस्तों हम इसकी बात करें तो भाई ये जो हेलमेट है बहुत लाइट फील हो रहा है, बिल्ड क्वालिटी वाइज भी और वैसे भी, क्योंकि जब मैंने इसको हटा के इसको हाथ में लिया तो यार वो जो है ना डिफरेंस जो है क्वालिटी का सीधा सीधा पता चल जाता है। इसके साथ आपको सनशेड नहीं दिखता, इसके साथ आपको एक सनशेड एक्स्ट्रा दिख जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो भाई दो हेलमेट लेके आ गए खूबसूरत से आपके सामने। ये जो है स्टीलवर्ड SB20 विंग्स, और भाई इसके देखो पीछे का स्पॉइलर और इसका भी देखो स्पॉइलर। ये है SMK का स्टेलर वेरिएंट। दोनों जो हेलमेट है बहुत बढ़िया हेलमेट है और लुक वाइज आप देख ही सकते हो क्या प्यारे लग रहे हैं। और आज हम इन दोनों को कंपैरिजन करने वाले हैं, दोनों के प्राइस बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं आपको क्या क्या आपको देखने के लिए मिल जाता है दोनों हेलमेट्स के साथ। बाकी सबसे पहले बात करते हैं लुक की, तो भाई लुक कुछ ऐसे से देखने के लिए मिल जाते हैं दोनों ही हेलमेट्स के, और दोनों ही हेलमेट जो हैं बहुत बढ़िया हैं। तो बात करते हैं दोनों हेलमेट्स के बारे में। भाई सबसे पहले बात तो हम बात करेंगे अपने SMK के बारे में, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया हुआ है। ये है SMK का स्टेलर वेरिएंट। सबसे पहले बताते हैं इनकी स्पेशलिटी के बारे में, ठीक है? तो भाई सबसे पहली बात, इसके साथ आपको मिल जाता है वन शेल हेलमेट। ये एक वन शेल हेलमेट है जो कि सेफ्टी के हिसाब से बहुत बढ़िया होता है। इसके साथ आपको DOT प्लस ECE प्लस ISI सर्टिफिकेशन देखने के लिए मिल जाती है, और जो है इसका लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। इसके साथ जो आपको वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं वो मिल जाते हैं रिमूवेबल, चाहे हम ऊपर की बात करें या फिर हम बात करें फ्रंट की, तो ये भी आपको रिमूवेबल देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर हम बात करें इसके लॉकिंग मैकेनिज्म की, तो भाई ये जो आपको क्विक रिलीज देखने के लिए मिल जाता है, और ये इसके साथ थोड़ी बहुत पुस्तकें आती है इसके साथ। इसके साथ एक और अच्छी चीज़ है दोस्तों, इसके साथ आपको अंदर जो है स्पीकर पॉकेट देखने के लिए मिल जाते हैं, जिससे कि आप इंटरकॉम वगैरह आप इसमें लगा सकते हो। दोस्तों महंगे हेलमेट्स में स्पेशल स्पीकर पॉकेट जो है दी जाती है, इन हेलमेट्स में अभी देखने के लिए नहीं मिलती, लेकिन इनके साथ आपको देखने के लिए मिल जाती है। बाकी जो लुक है ये कुछ ऐसी है। तो इसके अगर हम हाईलाइट्स की बात करें तो रिमूवेबल पैडिंग दिख जाती है आपको, वन शेल हेलमेट है। वाइजर जो है दोस्तों ये सिंगल ही वाइजर आपको देखने के लिए मिल जाता है, सर्टिफिकेशन के साथ तीनों सर्टिफिकेशन आती है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जो इसका वेट है वो है 1600 ग्राम्स। अब अगर दोस्तों हम इसकी बात करें तो भाई ये जो हेलमेट है बहुत लाइट फील हो रहा है, बिल्ड क्वालिटी वाइज भी और वैसे भी, क्योंकि जब मैंने इसको हटा के इसको हाथ में लिया तो यार वो जो है ना डिफरेंस जो है क्वालिटी का सीधा सीधा पता चल जाता है। ये जो हेलमेट है सिटी राइड के लिए काफ़ी अच्छा है। इसका जो वेट है दोस्तों ये है 1450 प्लस 50 ग्राम इसके वाइजर का है, तो 1500 ग्राम का ये जो हेलमेट आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद जो सर्टिफिकेशन दिख जाती है वो सिर्फ ISI है, ठीक है। उसी के साथ साथ ये जो हेलमेट है एक मॉड्यूलर हेलमेट है, तो ऐसे करके ये पूरा खुल जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ भी है, और कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी बुरी चीज़ भी होगी क्योंकि सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होती है उनके हिसाब से, ठीक है। उसी के साथ साथ दोस्तों ये जो है इसके साथ डबल वाइजर देखने के लिए मिल जाता है, सनशेड भी दिख जाती है जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, और ये जो है यहाँ पर आपको दिख जाता है। इसके वाइजर वगैरह की क्वालिटी जो है ऑफकोर्स सी बात है स्टीलवर्ड है, और ये जो हेलमेट है थोड़ा सा सस्ता है उसके हिसाब से काफ़ी कमज़ोर है। बाकी अगर हम SMK की बात करें तो भाई प्रीमियम ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है, रिनोन ब्रांड है, तो उसके हिसाब से ऐसी चीज़ें मिलती है। इसके साथ आपको अंदर सनशेड मिलता है, इसके साथ आपको सनशेड नहीं देखने को मिलता है। रिमूवेबल पैडिंग जो है इसके साथ भी देखने के लिए मिल जाती है। इसके अगर मैं वेंट्स की बात करूँ तो दोस्तों ये जो है रिमूवेबल नहीं है। अगर हम फ्रंट की बात करें, रेयर की बात करें, कोई भी रिमूवेबल नहीं है। जिसका मेन हाईलाइट है वो है इसका स्पॉयलर। तो लुक कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाता है आपको। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो हेलमेट है 3500 से लेकर 4000 के बीच में आपको देखने को मिल जाता है, और भाई जो क्वालिटी है बहुत सॉलिड है। इसके साथ आपको सनशेड नहीं दिखता, इसके साथ आपको एक सनशेड एक्स्ट्रा दिख जाता है, बट बिल्ड क्वालिटी हर चीज़ में बहुत बढ़िया है। बाकी देख सकते हो क्या बढ़िया है, ठीक है। आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके पास 2500 से 3000 का बजट है तो आप इसको लीजिए, क्योंकि यार थोड़े से पैसे मिलाओगे तो काफ़ी चीज़ें अच्छी मिल जाती है, SMK जैसा ब्रांड दिख जाता है, और ये जो है आपको ऑफिस वगैरह जाने में सिटी के लिए हिसाब से काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ये था एक कंपैरिजन वीडियो। आई होप जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव रहो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।